मार्केट ने ठीक वैसा ही कल बिहेव किया जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। सुबह खुलने के बाद वह नीचे की तरफ आई, उसके बाद ऊपर की तरफ गई, बीच में झूलती रही। वो सिर्फ झूलती इसलिए रही कि क्लाइंट्स को जो है वो पुट्स सप्लाई की जा रही थी, उनको अच्छी खासी पुट्स दी गई। ये अपना मैंने जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल आपके लिए खोला है उस पर मैं शेयर कर भी रहा था। मैंने, आप देख भी सकते हैं कि मैंने मैसेज भी किए हैं कि 9277 का लेवल, इसको वॉच करो। ये कट होगा 15 मिनट इसके नीचे अगर निफ्टी रही तो तब जाके जो है हम 9177 भी देखेंगे। लेकिन दो तीन बार अटेम्प्ट किया मैंने, बार बार किया कि दो तीन बार अटेम्प्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ, 9300 की कॉल ऑप्शंस पे जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया होता गया होता गया इसी लेवल पे, 9277 लेवल पे। तो वहां पे क्या किया जा रहा था, पुट सप्लाई की जा रही थी, और एक टाइम ऐसा आ गया इतनी हैवी 400 से 500% जो है पुट की सप्लाई की गई जो कल की क्लोजिंग थी। वो अभी हम डाटा में देख लेते हैं। तो जैसा कि मेरा एक अनुमान था कि 9250 से लेके 9400 तक मार्केट जा सकती है, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया और फाइनली 9380 पे बंद हुई। अब आज मार्केट कैसे रहने वाली है, जो कल का डाटा बिल्डअप हुआ है, जो कल का डाटा बना है उसको देख के तो यही नजर आ रहा है कि आज भी जो है मार्केट की टोन जो है वो बुलिश रहनी चाहिए। मार्केट एक बार, वो क्यों, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। क्योंकि क्लाइंट्स ने जो है स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, पहले वो माइनस में थे, अब वो प्लस में आ गए हैं। जहां उनके पास कॉल्स प्लस थी, अब वो कॉल्स जो है वो माइनस में आ गई हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने क्या खरीदा है, पुट्स खरीदी हैं। नंबर बहुत बड़ा है, 39480 का। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं। वही FIIs ने क्या किया, उन्होंने पूरी गेम पलट कर रख दी है। जो मैं बोल रहा था पिछले कुछ वीडियोस में कि वह अभी फ्यूचर माइनस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, कल जो उन्होंने पोजीशन बिल्डअप करी आज उसको ही कैरी फॉरवर्ड करा। आज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने क्या किए, स्टॉक फ्यूचर भी प्लस किए, इंडेक्स फ्यूचर भी प्लस किए, इंडेक्स कॉल भी प्लस की, और पुट्स सप्लाई करी। और जो हमारे प्रॉस हैं, HNIs हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर प्लस किए, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने भी माइनस किए, इंडेक्स फ्यूचर की सप्लाई दी है, इंडेक्स कॉल उन्होंने प्लस करी और इंडेक्स पुट्स भी माइनस करी अच्छी खासी क्वांटिटी में। इसलिए मार्केट की जो टोन आज के लिए बन रही है वो कौन सी टोन बन रही है, वो बुलिश टोन बन रही है। मार्केट बुलिश साइड में रहना चाहिए। 9500 तक, 90 आज की जो रेंज बन रही है वो बन रही है 9400 से 9500 तक की। 9400 से नीचे डिप दे सकती है, उसका रीजन भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्यों जा सकती है, क्या मार्केट में हो सकता है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि आज मार्केट को एक बार 9500 तक ले जाके वहां से नीचे की तरफ पटका जाएगा। आप इस डाटा पे भी गौर करिए, ये मैं अभी आपके साथ जो शेयर किया है। अब हुआ क्या है कि कल आपके पास 9300 जो थी एक सपोर्ट का काम कर रही थी, आज वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है 9300 पे ही इंक्रीज हो चुका है, आज वहां पे काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और जो फाइनल ओपन इंटरेस्ट बना है वो बना है 20 लाख से ऊपर का। वही 9200 पे 17 लाख से ऊपर का है, और 9100 पे 10 लाख से ऊपर का है। 9000 का लेवल तो हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे अभी 33 लाख का बना हुआ है। अब 9400 पे हमारे पास क्या है, 8,84,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वही हमारे पास 9400 पे 13,73,175 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। अब गेम कैसे बनाई जाएगी, अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है, एक्सपायरी ऊपर करनी है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, पुट्स की सप्लाई की जाएगी। ओपन इंटरेस्ट आज भी हम देखेंगे कि किस तरफ चेंज हो रहा है, एक्सपायरी है ठीक एक दिन के बाद, ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ चेंज करने की कोशिश की जाएगी हम उस पे जो है लाइव ट्रेडिंग आवर्स के दौरान वॉच रखेंगे।
अब यहां पे इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 9400 की कॉल पे 13 लाख का है और पुट पे 8 लाख का है। अब यहां पे क्या, और 9500 पे ऑलरेडी अच्छा खासा कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो 9500 अभी जल्दी से पार होता नजर नहीं आ रहा। एक्सपायरी कहीं 9500 के नीचे ही रहने की तैयारी की जाएगी। मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा तो कुछ और व्यू है, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा उस पर क्या बनेगा जब हम कल के लिए डाटा एनालाइज करेंगे। तो नटशेल में करंट जो है वो बुलिश रहेगी, मार्केट जो है फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग कराई जाएगी, उसको ऊपर लेके जाया जाएगा, उसके बाद उसको 9500 से क्या किया जाएगा, 9500 या 9500 के पहले उसको नीचे की तरफ लाया जाएगा और एक बार जो है उसको 9400 से नीचे भी पटका जाएगा। ये तो होगी मार्केट की बात। एक बात मैं आज आपसे और करना चाहूंगा कि ऑपरेटर्स कैसे गेम खेलते हैं, कैसे रिटेलर के साथ के दिमाग के साथ खेलते हैं। मैंने जो जब ट्रेडिंग शुरू की थी, मैंने मेरे को एक ही मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी कि जहां पे एक आम आदमी का दिमाग सोचना बंद कर देता है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो कहता है कि जहां पे रिटेलर सोचना शुरू करता है आप उसके ठीक अपोजिट जो है पोजिशन बनाओ। पहले क्या था कि मार्केट को धड़ाधड़ नीचे की तरफ लाया जा रहा था, हर दिन रिटेलर ये सोचता था, कॉल बाय कर देता था, चलो आज तो हो गया डाउन, अब कितना नीचे जाएगा, आज डाउन हो गया अब कितना नीचे जाएगा, करते करते उन्होंने क्या किया एक लेवल तक लेके आ गए। अब यहां से क्या हो रहा है, रिटेलर जब सोचता है कि अब तो भड़ गया अब कल गिरने वाला है, तो वो क्या कर देते हैं, हर दिन पोजीशन को एक नए सिरे से एडजस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडसइंड बैंक। कल सभी लोग जो थे पुट कैरी करके गए थे, सबको पता था रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। टीवी वाले आज उसको बोल रहे हैं, अगर आप एनालाइज करोगे, मैं मेरे को तो रिजल्ट कोई खास नहीं लगा, आप एनालाइज करोगे तो माइट भी आपको पॉजिटिव लगे, लेकिन टीवी वालों ने क्या बोला, रिजल्ट पॉजिटिव है। जिन लोगों ने पोजीशन और क्या किया, अपर फ्रीज पे खोल दिया उसको, उसके बाद जो है एक सेकंड फ्रीज भी लगवा दिया 463 के लेवल तक उसको ओपन किया, लोगों ने वहां पे बाई किया, उसके बाद उसको नीचे ले गया, उसके बाद फिर उसको अप लेके गए। जितने लोगों ने वहां पे मेरे पास मैसेज आए थे, इवन 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे भी लोगों ने पुट खरीदी थी, वो सब जो है खा गए स्वाहा करके। यही ऑपरेटर्स की गेम है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट जो है अच्छा खासा नुकसान दिखाया, लेकिन मेरे कन्विक्शन ये कहती है कि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी एक बार के लिए एक्सिस बैंक को ऊपर लेके जाया जाएगा, वहां पे लोगों का माल खाया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब लोग उसमें से निकल जाएंगे उसके बाद उसको नीचे की तरफ लाया जाएगा। बजाज फाइनेंस की एग्जांपल, बजाज फाइनेंस में क्या है, लोगों को इतना नेगेटिव बनाया गया, इतना नेगेटिव बनाया गया, और कल क्या हो गया, जगदम जो है बजाज फाइनेंस जो है 10% ऊपर कर दिया, 2200+ कर दिया। और मैं कई अपने जो मैं व्हाट्सएप चैनल है उस पर देख रहा था, अब बजाज फाइनेंस को क्या कर दिया, कई लोगों ने जो है उसको बुलिश टोन में कन्वर्ट कर दिया कि इसकी टोन बुलिश हो गई है, अब ये 2800 और 3000 तक भी जाएगा, वक्त बताएगा ये कहाँ जाएगा। अभी भी मैं मार्केट में पॉजिटिव नहीं हूं, एक खेला खेला जा रहा है रिटेलर्स के साथ, क्योंकि लूट रिटेलर को लूटना ही जो है ये बिकी का एफआई है, इसका जो है कर्म है धर्म है, पैसा इनके लिए सब कुछ है, किसी का कोई ईमान नहीं है। आप जो है पोजीशन ये देख के बनाया कीजिए कि ओपन इंटरेस्ट कहां पे चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी आप देखो कि काफी जो एनालिस्ट हैं वो इस पोजीशन में फेल हो रहे हैं, जहां पे मैं कल एक देख रहा था कि जी न्यूज पे विप्रो की एक स्ट्राइक जो है वो परचेज करवाई हुई थी किसी ब्रोकर ने, वो क्या हो गया उसमें से लॉस, कल उसने बोला कि हम इसमें क्या करते हैं, लॉस बुक करते हैं। क्यों लॉस बुक करते हैं, क्योंकि वो 5 दिन देखता रहा, विप्रो ने वो मूवमेंट नहीं दी और अल्टीमेटली उसमें लॉस बुक करना, उसने 2-3 कॉल्स डिस्कस करी, 2-3 कॉल्स में उसने जो है लॉस ही बुक किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप जो है लाइव ट्रेडिंग आवर्स के दौरान जो है मार्केट का डाटा वॉच करते रहिए, मार्केट का डाटा देखते रहिए, हम उसी पे ही अपनी पोजीशन बनाइए। तो नटशेल में दोस्तों, यूएस मार्केट रात को थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुई है, नासदक 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन अभी जो अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो अभी फिर जो है वो अच्छे खासे ग्रीन में है यूएस मार्केट्स के। एफआईआई ने कल भी माल बेचा है, वे कल भी बेच के गए हैं, वे हर तेजी पे डेली माल बेच रहे हैं। हमारे जो धुरंधर निवेशक हैं डीआईआई, वो जम के माल खरीद रहे हैं,
तो आज की जो मार्केट की टोन है वो क्या रहने वाली है, 9400 का लेवल टगा वार होगा, मार्केट ऊपर खोली जाएगी और ऊपर नीचे 94 93 80, 94 94 50, 94 70, इसके बीच में झूला झुलाया जाएगा। और मुझे लग रहा है आज भी जो है रिटेलर्स को 9400 के लेवल पे अच्छी खासी पुट्स दिलवाई जाएंगी। ये शुरू में यही रेंज रखी जाएगी ताकि जो है रिटेलर इस होप में कि मार्केट अब गिरेगी तो वो 9400 की पुट्स को एक्युमुलेट करना शुरू कर दें, और उसके बाद क्या किया जाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाके ऊपर ही क्लोज करवाया जाएगा। सारा दिन आप साथ में वॉच रखना कि यूएस मार्केट्स के फ्यूचर क्या करते हैं, अगर फ्यूचर नेगेटिव होते हैं तो मार्केट हमारी 94 से नीचे जाएगी, नहीं तो जो आज की रेंज बन के आ रही है वो आ रही है 9350 90, कहीं ना कहीं 9300 9350, मुझे लग रहा है 9350 और 9500 के बीच में आज मार्केट रखी जाएगी और उसी के बीच में सारा दिन गेम खिलाया जाएगा। जो पुट जो सप्लाई की जाएंगी वो 9400 की जाएंगी। ओपन इंटरेस्ट आप मार्केट आवर्स के दौरान देखते रहना, अगर ओपन इंटरेस्ट में कहीं चेंज आती है कमी आती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको अपडेट करूंगा, फिर हम देखेंगे कि आज जो है हमें पोजीशन कल के लिए कैसी लेनी है। कल के लिए बड़ा खास स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा, कल क्या होगा वो हम आज के डाटा से पता करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कल बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि आपको जो है कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस। उम्मीद है आज का आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा जाएगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।